मशहूर टिकटॉकर फैजल सिद्दीकी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने टिकटॉक को बैन करने की मांग की है। इस मुद्दे पर बॉलीवुड मशहूर एक्टर परेश रावल ने भी ट्वीट किया है, साथ ही टिकटॉक को बैन करने की मांग की है। टिकटॉक को लेकर आया परेश रावल का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही फैंस इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। दरअसल फैजल सिद्दीकी पर अपने वीडियो के जरिए एसिड अटैक को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इससे पहले भी टिकटॉक पर वायरल हो रही कई वीडियो को लेकर ऐप को बैन करने की मांग की जा रही है। परेश रावल ने अपने ट्वीट में टिकटॉक को बंद करने की मांग की है और लिखा है, टिकटॉक को बैन करें। परेश रावल के अलावा एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने भी टिकटॉक को बैन करने की मांग की है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी टिकटॉक को पूरी तरह से बैन करने की गुजारिश की है। रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं इस बात की प्रबल पक्षधर हूँ कि टिकटॉक को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाना चाहिए और यह भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। इसमें न केवल आपत्तिजनक वीडियो हैं बल्कि यह युवाओं को अनुत्पादक जीवन की तरफ धकेल रहा है, जहां वह केवल कुछ फॉलोवर्स के लिए ही रहे हैं और मरने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। टिकटॉक को लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है, खासकर ट्विटर पर लोगों ने आपत्तिजनक वीडियो को लेकर ट्रेंड शुरू कर दिया है। वहीं परेश रावल की बात करें तो एक्टर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं। फिल्मों में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने के बाद परेश रावल ने राजनीतिक दुनिया में भी खूब पहचान बनाई है। जल्द ही एक्टर फिल्म हंगामा 2 में नज़र आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ शिल्पा शेट्टी और मीज़ान जाफरी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। टिकटॉक बैन करना चाहिए या नहीं, इसमें आपकी राय क्या कहती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सोशल मीडिया की ऐसी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।